नमस्ते, आई होप आप सब ठीक ठाक हो। आज का व्लॉग चालू कर रही हूँ मैं एकदम शाम को, क्योंकि अभी बज रहे हैं 7 और हम लोग बाहर जा रहे थे। आज है वीकेंड तो हमने सोचा कि क्यों ना हम लोग बाहर निकले। पूरा दिन जस्ट चिल वाला दिन था, बहुत रिलैक्स वे में थी। अब हम जा रहे हैं ऐसे ही थोड़ा सा बाहर, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कुछ सामान चाहिए था, कुछ चीज़ें मुझे ख़रीदनी थी। और ऐसी जो एरिया में हम जा रहे हैं वो आपने कई बार मेरे व्लॉग्स में ऑलरेडी देखा है, क्योंकि वो जो एरिया है वही हम एक्चुअली मैक्सिमम टाइम जाते हैं। तो बस वहाँ जा रहे हैं 101 के पास, तो बस वहाँ जा रहे हैं। और दिन भर आज बहुत तेज़ धूप थी, गर्मी थी। शाम को थोड़ा मौसम चेंज हुआ और अभी थोड़ा ठंडा लग रहा है और हवा अच्छी चल रही है। तो बस हम लोग अब जा रहे हैं। और कैसा था आप लोगों का दिन? और आई होप आप लोगों को मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हो। तो चलिए, मेरी उबर आ चुकी है। नमस्ते, ये हमारा क्यूट कैट। हेलो। तो अभी बस जा रहे हैं, उबर आ गई है, ये देखिए उबर। तो बस मैं आपको वहाँ पहुँच के अब आप लोगों से बात करती हूँ। दोस्तों, हम लोग आ गए हैं प्रीस के पास। अब यहीं पूरा टाइम हम लोग स्पेंड करने वाले हैं और मास्क कंपलसरी, तो मुझे मास्क लगाना पड़ा। मैं आपको सामने का अभी व्यू दिखाती हूँ, कितना सुंदर हवा। ये मेरा मास्क कितना अजीब क्यों है, तुम्हारा भी वैसे ही है। चलो ठीक है, ये देखिए। यहाँ मुझे आना बहुत पसंद है, क्योंकि जब आप यहाँ पे आते हो ना, आपको इतना लाइवली, इतना ज्यादा अच्छा लगता है, एकदम मजा ही आ जाता है। ये आपको बहुत सारे, ये देखिए कितना प्यारा है, ये देखिए कितना सुपर क्यूट है ये। मम्मी के साथ है अपने। तो आपको यहाँ पर ऐसे प्यारे प्यारे से बच्चे बहुत सारे देखने मिलेंगे, जो अपने मम्मी पापा के साथ आते हैं यहाँ पे। कितना सुंदर था ना वो, उसके बाल बाल इतने प्यारे लग रहे थे। तो ये देखिए मैक्स मारा मारा, क्या सुंदर सुंदर ड्रेसेस है, वाओ। मुझे जाना है सामने। अब मैं अपनी तरफ कैमरा नहीं करूँगी, क्योंकि अगर मैं अपनी तरफ करूँगी तो जस्टिस नहीं होगा ये जगह को लेकर, जहाँ पे मैं आई हूँ। मैं आपको जो दिखाना चाहती हूँ वो जगह को लेके, तो देखिए कितनी प्यारी जगह है। यहाँ पर सब लोग बैठते हैं, और अभी कैसा ना, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है अभी, मतलब जो सीज़न चल रहा है शाम के समय अच्छा ठंडा हो जाता है। तो अब इसके बाद एक डेढ़ महीने बाद तो यहाँ ठंडी चालू हो जाएगी, फिर उसके बाद बारिश चालू हो जाती है, तो इतना बाहर लोग आ नहीं पाते जनरली। तो अभी आप देख रहे होंगे कितने प्यार से सब लोग बैठे हुए हैं। तो मुझे जाना है एक्चुअली एक स्टोर में, तो मुझे जो जाना है वो यहाँ। तो हम यहाँ जा रहे हैं फाइनली। के लिए कैंडल लेनी है और कुछ चीज़ें लेनी है, तो इस स्टोर से हम लेंगे। मुझे यहाँ की कैंडल्स बहुत पसंद है। तो चलिए मैं एक्सप्लोर करती हूँ और आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। ओके, रेडी, चलो मज़ा आ गया। Let's go. यहाँ से अंदर से चले के, मैं अंदर से आज तक देखी नहीं हूँ क्या है। मुझे ऊपर ही जाना है यहाँ पर। Wanted to get it right, trying to find some balance in my life. I never really put up a fight, and now I'm losing sleep. What if I lost touch? What if I'll never get it right? मुझे एक दो चीज़ें देखनी थी, मेरा मन था, मैं सोची मैं एक बार चेक कर लेती हूँ।
लेट्स सी वो चीज मिलती है कि नहीं मिलती है। Thank you. Bye-bye. Bye. You know, यहाँ बैठे हुए हैं। जब बीवियाँ शॉपिंग करती है तो पति जो है अच्छे पति की तरह यहाँ ऐसे बैठते हैं, करेक्ट? ऑप्शन नहीं है, नहीं? बहुत अच्छा, बहुत मजा आया शॉपिंग करके। बहुत मजा आया, चलो चले। आसपास का एरिया, अगर कुछ शोज वगैरह चल रहे होंगे तो वो हम देखेंगे। ये ऊपर से कनेक्टेड ब्रिज है, देखिए, और कुछ ना कुछ शोज चल ही रहा है। ये कनेक्टेड ब्रिज है तो जिससे हम आगे जाएंगे, और यहाँ से गेट डाउन भी कर सकते हैं या फिर यू कैन गो अहेड ऑल्सो। तो हम थोड़ा आगे जाएंगे। ये देखिए ऊपर से व्यू कितना सुंदर लग रहा है ना, पूरा आपको दिखेगा। दोस्तों मैं आपको एक चीज बोलने चाहती हूँ, यहाँ पर एक मूवी रिलीज होने वाली है, वो आप देख रहे हो, लाल सिंह चड्ढा 9 सितंबर को रिलीज होने वाली है। शायद मैं देखने आऊँ, क्योंकि मैं इंडिया में नहीं देखी थी, तो यहाँ पर मैं जरूर देखने की कोशिश करूँगी, ठीक है। और यहाँ देखिए, यहाँ पे कितना अच्छा शूट चल रहा है, आपको मिलेगा देखने के लिए। यहाँ पे पूरा फूड कोर्ट है, आपको जो खाना है वो यहाँ खा सकते हो, ठीक है। और यहाँ से हम जा रहे हैं नीचे। यहाँ पे आपको कुछ कॉस्मेटिक्स मिल सकते हैं, यहाँ पे कॉस्मेटिक्स मिलते हैं, बहुत सुंदर सुंदर कॉस्मेटिक मैं आपको दिखाती हूँ। मैं बता रही हूँ, ताइवान गर्ल्स के लिए जन्नत होती है सच्ची, क्योंकि यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर कॉस्मेटिक्स, बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें मिलती है। अब जैसे कि ये देख लीजिए, प्लस वाटर सनस्क्रीन है ना, और यहाँ पे टेस्टर भी है, तो क्या टेस्ट कर लेना चाहिए, देखते हैं कैसा है। नॉट बैड, फुली एब्जॉर्ब हो गया, गुड। वास्ते की भी है, तो क्या हमें एक ले लेना चाहिए? ऑफकोर्स लेना चाहिए, तो एक ले लेती हूँ मैं। तो ले लिया है मैंने फाइनली दो चीज़ें ली है, एक बहुत ही अच्छी चीज़ ली है जो कि है न्यूट्रोजना का ऑयल कंट्रोल, सॉरी न्यूट्रोजना का SPF। थैंक यू। तो मैं आपको घर जाके दिखाती हूँ मैंने क्या लिया। यस, थैंक यू, शीशे, बाय बाय। बड़ी स्वीट सी लेडी थी, थोड़ा सा योले खाते हैं, थोड़ा सा बैठते एक जगह पे। छोटा, क्योंकि हम दोनों ही शेयर करते हैं, तो थोड़ा सा लेते हैं। वन दिस वन,
ओरिजिनल बोले तो जो एकदम प्लेन होता है, उसमें कोई भी फ्लेवर मिक्स नहीं करते हैं लोग, और अगर फ्लेवर मिक्स करना है तो वो होती है वहाँ पे ब्लैक चॉकलेट. यस एंड वन मोर टॉपिंग कैन आई ऐड ओके ओके और वन डार्क चॉकलेट ग्रेनोला. यस तो मैं एक्स्ट्रा टॉपिंग डलवा रही हूँ क्योंकि थोड़ा क्रंची क्रंची अच्छा लगता है. कैन आई गेट वन मोर स्पून? शीशे चलिए ये आगे हमारे हाथ में. अब इससे मैं और अश्विन एंजॉय करेंगे. तो ये है पूरा एरिया, बहुत ही अच्छा लगता है. और आप वहाँ सामने स्ट्रीट में देख रहे हो, वहाँ पे भी बहुत अच्छा कुछ शो चल रहा है. वहाँ पे कुछ हो रहा है तो यहाँ पे ये सब चीज़ें होते रहती हैं. अगर जले तो आगे बढ़ो, स्टैचू बनो. वो देखो दिख रही है सामने ऐसे वो. तो काफी देर पहले ही हम लोग घर आ गए थे और घर आने के बाद हमारा खाना वाना हो गया है, चेंज वेंज कर लिया है. अब बस मेकअप रिमूव करना है, वो जो मैं थोड़ी देर बात करूंगी. उसके बाद हम लोग मूवी देखेंगे रिलैक्स होके आराम से, और आराम से सोएंगे क्योंकि सैटरडे नाइट है तो ऐसे ही चलता है. लेकिन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी जो मैं आज लेकर आई हूँ ना सामान, वो मेरे को आपको दिखाना है. तो मैं लेकर आई हूँ ज़ारा से बहुत ही प्यारी सी कैंडल. ज़ारा की कैंडल्स बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग होती है, तो थोड़ी महंगी होती है. बट मैं बोल रही हूँ एक बार आप लोगे तो आप कोई और कैंडल्स की तरफ जाओगे. पूरा साल भर चलती है अगर आप थोड़ा थोड़ा देर में चलाओगे. 3 वीक कैंडल है ये और इसकी खुशबू अमेजिंग है, बहुत ही प्यारी खुशबू है. हाँ हाँ ये वाली है. जब भी आप ये कैंडल जलाते हो ना तो पूरे रूम में बहुत ही अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाती है और काफी देर तक वो खुशबू रहती है. तो जरूर ट्राई करना ज़ारा की कैंडल्स. इसका नाम आप देख लीजिए. पियोनी वाली भी थी, बहुत सारी, इनफैक्ट सारी कैंडल्स बहुत अच्छी है ज़ारा की. तो ये कैंडल मैंने लिया ज़ारा से. और मैंने ना दो चीज़ें ली जो आपको दिखाया था. मैंने एक स्टोर था जहाँ पे ओपन पूरे कॉस्मेटिक्स वगैरह रखे थे, तो वहाँ से मैंने न्यूट्रोजना का बीच डिफेंस लोशन लिया क्योंकि हम आने वाले समय पे एक ट्रिप पे जाने वाले हैं तो वहाँ पे ज़रूर सनस्क्रीन लोशन की ज़रूरत पड़ने वाली है. तो यहाँ पे SPF 15 ऐसा बड़ा लोशन मैंने देखा नहीं है, ज़्यादातर मिलता नहीं है, तो ये ले लिया. और ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे, वाटर बेस है, चिपचिप नहीं हुआ. तो यहाँ पे लगाया था ना मैंने तो चिपचिप बिल्कुल नहीं हुआ. और दूसरा जो मैंने लिया है वो डॉक्टर HSIEH चाइनीज नेम है, नहीं बोल पाऊंगी, तो उनका लिया. और ये 50 UV का, तो ये भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे. फाउंडेशन के कलर का था, मतलब टिंटेड था. और यहाँ इस हाथ में लगाया था मैंने तो ऐसा बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं था, अच्छा लाइट वेट था. तो ये दो प्रोडक्ट लिए. और एक और खास चीज़, तो मैं गेस्ट के दुकान में घुसी थी ठीक है, तो वहां से मैंने
कुछ तो भी लिया है, लेकिन ये आपको पता चलेगा वेडनेसडे को। वेडनेसडे का व्लॉग जरूर देखना क्योंकि ये मेरा तीज का गिफ्ट है। तो ट्यूसडे को तीज है तो वेडनेसडे को आपको वो व्लॉग देखने मिल जाएगा, क्योंकि मैं तीज के दिन इसको ओपन करूंगी, तो आप वेडनेसडे को ये व्लॉग में देख पाओगे, है ना। तो बस इतना ही था आज का व्लॉग, बस इससे मैं अब यही खत्म करूंगी। और आई होप आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, अगर आ रहे हैं तो कमेंट कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छे अच्छे व्लॉग बनाने का। तो चलिए मैं आपको मिलती हूँ बहुत जल्द एक नए व्लॉग में, तब तक ध्यान रखिए अपना, बाय बाय।